राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या स्कूल में 13 से 19 नवंबर तक एनएसएस शिविर मनाया जा रहा है और एक सप्ताह तक चलने वाले इस शिविर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत पड्डल मैदान में एनएसएस की स्वयं सेवियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। एनएसएस की प्रोग्राम अधिकारी वंदना सरोच ने बताया कि इस सफाई अभियान के दौरान पड्डल मैदान से भारी मात्रा में एनएसएस के स्वयं सेवियों ने प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग और युवा पड्डल मैदान में धूप सेंकने के लिए आते हैं और अपने साथ लाई गई खाने पीने की चीजों के बाद कचरा इधर उधर फेंक जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मैदान में कचरा ही कचरा फैला हुआ था, जिसे एनएसएस की स्वयं सेवियों द्वारा साफ कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि इधर उधर कचरा न फैलाएं और कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला मंडी में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर आरंभ हुआ है। 13 तारीख से ये शुरू हुआ है और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क का जो प्रोग्राम था, उसमें हम एनएसएस के बच्चे और प्रोग्राम ऑफिसर मिल करके पड्डल ग्राउंड की सफाई करने के लिए आए हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सारे पड्डल ग्राउंड में प्लास्टिक गार्बेज बिखरा पड़ा था, जो बच्चों ने अभी साफ किया, और कम से कम कोई 5-6 बोरियाँ जो हैं वो कचरे से भर गई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रबुद्ध जनता से, बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से, कि वो अपने इस खेल का मैदान, जो एकमात्र मैदान हमारे मंडी शहर में है जिसमें कि बच्चे जो हैं सुबह से शाम तक खेलते हैं, तो साफ़ सुथरा मैदान हो। तो आज जो है कन्या विद्यालय की एनएसएस की वॉलंटियर स्वयंसेवी छात्राएं इस पड्डल ग्राउंड को साफ करने के लिए आई हैं। तो आशा करती हूँ कि इसको ऐसे ही साफ सुथरा बनाए रखें और जो भी यहाँ पे आते हैं ग्राउंड में, चाहे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, चाहे धूप सेकने के लिए आते हैं, तो वो कचरा वो यहाँ माना फेंके। और कॉलेज के सभी विद्यार्थियों से भी मैं निवेदन करूँगी कि वो इस मैदान को साफ सुथरा रखने में सहयोग प्रदान करें। और बाकी मंडी की जनता के लिए भी मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने शहर को और खासकर इस पटल ग्राउंड को, जो हमारा एकमात्र ग्राउंड है, और इसको मैदान को जो है वो अपने साफ सुथरा रखें। तो इसी के साथ ही जो मैं आशा करती हूँ कि बच्चों ने जो सफाई की है उसे वैसे ही बनाए रखें। और हमारी जो शिविर चल रहा है, ये 7 दिवसीय विशेष शिविर है एनएसएस का, और इसमें 53 स्वयंसेवी छात्राएं भाग ले रही हैं, जो दिन रात जो है वो स्कूल कैंपस में रह रही हैं। और हम उसमें प्रोजेक्ट वर्क जो टाइम पीरियड हमारा होता है, उसमें हम भिन्न भिन्न जगह जा कर के स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, और इस तरह से जो है बच्चे अपना योगदान दे रहे हैं।